नमस्कार। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जिस कार से आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं पंजाब के बाद गुजरात में सरकार बनाने का दावा रख रही है, इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से, ताजा भाव के हिसाब से इस वक्त गुजरात में किसकी बन सकती है सरकार, इसको लेकर अगर बात की जाए तो सट्टा बाजार के अपने आंकड़े हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा सर्वे यहाँ पर सामने आ रहा है और फलौदी सट्टा बाजार भी विधानसभा चुनाव से पहले अपने आंकड़े रख रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए गुजरात को लेकर, तो जिस कार से यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत का दावा कर रही है और इस कार से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की कई रैलियां गुजरात विधानसभा चुनाव में हो चुकी है, तैयारी पूरी है। लेकिन अगर बात की जाए तो दो उम्मीदवारों की लिस्ट भी वो जारी कर चुके हैं, लेकिन बात की जाए बीजेपी के लिए का, तो बीजेपी यहां पर पूरी तैयारी में है। और इसी बीच अगर अंदरूनी सर्वे में भी बड़ी खलबली यहां पर देखने को मिली थी, और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर 28 तारीख को यहां पर गुजरात दौरे पर भी हैं, तो अब कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव पर पूरी तैयारी है और अब राजनीतिक दलों में काफी यहां पर खींचतान भी देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर बात की जाए तो फलौदी सट्टा बाजार क्या बीजेपी को प्रचंड जीत के आंकड़े दिखाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस को लेकर क्या रणनीति हो सकती है। अगर बात की जाए बीजेपी ने 99 सीटें जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें यहां पर 2017 विधानसभा चुनाव में हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री गुजरात विधानसभा चुनाव में होने के बाद कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों में खलबली देखने को मिल रही है। लेकिन सट्टा बाजार की क्या अनुमान हो सकते हैं, जो यहां पर सर्वे अंदरूनी सर्वे यहां पर निकल कर आ रहा है, सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस 4 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आ सकती है। जो ताजा भाव के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। कच्छ की 6 सीटों में से अगर बात की जाए ताजा भाव के हिसाब से बीजेपी 3 सीट पर जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 2, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी भी यहां पर खाता खोलती नजर आ सकती है। मसौरा की 7 सीटों पर ताजा भाव के हिसाब से बीजेपी 3 सीटों पर आ रही है, कांग्रेस 2 और आम आदमी पार्टी भी यहां पर 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। बड़ा उलटफेर यहां पर गुजरात में हो सकता है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती नजर आ रही है, जिस कार की जो बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पाटन से 5 सीटों में से ताजा भाव के हिसाब से सट्टा बाजार से बीजेपी को 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें यहां पर आ सकती हैं। सावरकांठा की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, जो ताजा भाव के हिसाब से सट्टा बाजार के आंकड़े निकल रहे हैं। अमरावली की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस भी 1 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी खाता खुल सकती है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस को 1 सीट और आम आदमी पार्टी भी 1 सीट, जो ताजा भाव के हिसाब से सट्टा बाजार के आंकड़े यहां पर निकल रहे हैं। अहमदाबाद की 20 सीटों में से बीजेपी 12 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस को 4 सीट, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी यहां पर आती नजर आ रही है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से जो ताजा भाव सट्टा बाजार के हैं उसमें से बीजेपी को 2 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर खाता खुल सकती है। मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट यहां पर जा सकती है ताजा भाव के हिसाब से। राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी 4, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी यहां पर खाता खोल सकती है, जो सट्टा बाजार के ताजा भाव निकल रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं। इसके अलावा देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है, सट्टा बाजार लगा रहा है। इसके अलावा बात की जाए पोरबंदर की 2 सीटों पर भी बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। बोटाद की 2 सीटों में से बीजेपी दोनों सीटों पर कब्जा समा सकती है, जो सट्टा बाजार का अनुमान यहां पर निकल रहा है। जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस भी 2 सीटों पर, 1 सीट पर जो है आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल सकती है, जो सट्टा बाजार के आंकड़े निकल रहे हैं। अमरेली की 5 सीटों में से बात की है बीजेपी 3 सीटों पर, कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर जीत सकती है, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट आ सकती है, जो ताजा भाव के आंकड़े निकल रहे हैं। भावनगर की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें हैं और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी यहां पर खाता खोल सकती है, जो पोल यहां पर 2022 को लेकर सट्टा बाजार ने जारी किया है। इसी बीच आनंद की अगर 7 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी 4 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस 2 सीटों पर, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। खेड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है। यहां पर महिसागर की 2 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर मिल सकती है और बराबर का भाव यहां पर दिया जा रहा है, 1-1 सीट पर दोनों ही पार्टियों को जीत मिल सकती है। जबकि पंचमहल की बात की जाए तो 5 सीटों में से ताजा भाव के हिसाब से बीजेपी 3 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है। बहुलडांग की बात की जाए तो 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल सकती है, यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो ताजा भाव सट्टा बाजार के हिसाब से आंकड़े निकल रहे हैं। छोटे उदयपुर की बात की जाए 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट जा सकती है, इस हिसाब से अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर, बराबर का भाव यहां पर दिया जा रहा है। और इस प्रकार से अगर बात की जाए नर्मदा की 2 सीटों पर भी यहां पर बीजेपी को 1 सीट जा सकती है,
और कांग्रेस के हिस्से में एक सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। नवसारी की चार सीटों में बात की जाए बीजेपी कांग्रेस में दो दो सीटें जा सकती हैं। दोनों ही पार्टियों को बराबर का भाव दिया जा रहा है, एक के बदले एक रुपए के बदले यहाँ पर भाव दिया जा रही है। बराबर के भाव के हिसाब से यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से गुजरात की 182 सीटों के आंकड़ों में अगर बात की जाए तो बीजेपी जो 100 सीटों का आंकड़ा है वो पार करती नजर आ रही है। यानी बीजेपी की स्थिति बरकरार है, बीजेपी बहुमत के पार जाती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को झटका लग सकता है। कांग्रेस 77 से घटकर 59 सीटों तक आ सकती है और जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी करीब 20 सीटों तक अब इस स्थिति में दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार के आंकड़े इसके हिसाब से आम आदमी पार्टी 20 सीटें इस समय दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं। यानी बात की जाए तो आज विधानसभा चुनाव गुजरात में तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में क्योंकि अभी भी काफी समय है, इसी बीच क्या आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता आम आदमी पार्टी को गुजरात में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस की क्या स्थिति यहाँ पर और बिगड़ेगी या फिर कांग्रेस जो स्थिति उसमें सुधार लाएगी, क्योंकि काफी यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी आम आदमी पार्टी में ही आमने सामने की इस समय खिंचतान दिखने को मिल रही है। क्या आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देगी, ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है गुजरात को लेकर 182 सीटों पर क्या बीजेपी जो सरकार है वो बरकरार रखेगी या फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए गुजरात में अपनी पहली बार सरकार बनाने के आंकड़े पहुंचेगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए, क्योंकि एक तो आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर किस प्रकार से चुनावी प्रचार चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखनी है। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।